वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। परमात्म तत्व तो बनाना नहीं, बजाना नहीं है, बदलना नहीं है, परिवर्तन करना नहीं है। वो है ज्यों का त्यों है, नित्य सिद्ध को प्राप्त करना। और नित्य सिद्ध नहीं, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। वो है ज्यों का त्यों बनाया जाएगा, किया जाएगा, उसकी आदि होगी। तो जिसकी आदि होगी उसका अंत होगा। इस वास्ते कर्म जितना है, कर्म जो काम किया जाए उसका आरंभ होता है और उसका अंत होता है। उसका फल है, उसका संयोग होगा और वियोग होगा, उसका आदि और अंत भी होगा। कोई काम करे आरम्भ होते और शांत होता है कि नहीं, तो उसका फल नित्य कैसे हो जाएगा? अनित्य होगा। फल मिलेगा, भोगने पर नष्ट हो जाएगा। परमात्म तत्व है, वो क्रिया का फल नहीं है, किसी कर्म का फल नहीं है। वो नित्य सिद्ध है और नित्य प्राप्त है। मानो स्वतः सिद्ध वस्तु है एक और एक नित्य प्राप्त है। तो नित्य सिद्ध को सिद्ध करना नहीं पड़ता और प्राप्त को प्राप्त करना नहीं पड़ता।
इसमें विश्वास हो चाहिए, विश्वास करे तो प्राप्त हो जाए, अथवा विवेक उठा हो जाए उतने प्राप्ति। ये दो विशेषता से, ये दो उपाय विशेषता से। तीसरा उपाय जो बिल्कुल बाह्य वृत्ति है उसके लिए तीसरा उपाय है कि वो दूसरों का हित करे, दूसरों की सेवा करे। सांसारिक पदार्थों को जो महत्व देते हैं, आदर देते हैं, क्रिया को पदार्थों, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, तो परमात्मा तत्व है वो क्रिया और प्रकृति नहीं, पदार्थ नहीं, वो क्रिया नहीं है, ऐसे जैसे वस्तु में होती है ऐसे नहीं है, तो वो तो नित्य सिद्ध है, नित्य प्राप्त है। इसमें क्रिया और पदार्थ ऐसे नहीं, क्रिया और पदार्थ पर ही जो अवलंबित है, जिसको करना ही ठीक दिखता है, विश्वास करने से होगा, तो करने से तब होगा जो अपने लिए नहीं किया जाएगा, अपने लिए किया जाएगा उससे सिद्धि नहीं होगी, पारमार्थिक सिद्धि नहीं होगी। होगी तो बहुत देर लगेगी, जन्म लग जाएंगे, वर्ष लग जाएंगे, समय लग जाएगा। ये सार बात है, इस पर ना तो आप ध्यान देते हैं, ना इसका विचार करते हैं, ना विश्वास करते हैं, क्या करें। हर एक आदमी मान नहीं सकता इस बात को, तो ये बात अप्रसिद्ध बहुत है, सबके सामने प्रसिद्ध नहीं है। तो इसके कोशिश करो आप समझने की, अथवा विश्वास करो तो कोशिश करो, तो इसमें पीछे पड़ जाओगे बात क्या है, तो जरूर से फायदा होगा। तो नित्य सिद्ध बात है, नित्य प्राप्त वस्तु है, उसकी प्राप्ति में क्या क्या देरी है, क्या उसमें परिश्रम है, क्या उद्योग है, मेरी बात को मानते नहीं आप, विश्वास नहीं करते। विश्वास न सके तर्क करो समझने के लिए, खूब लगाओ तर्क, वो समझना है तत्व, इसके पीछे पड़ो तो बहुत लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ होगा, विचित्र लाभ होगा, आपको आश्चर्य जैसा लाभ होगा। और नहीं तो है जो कर जाओ डाला डरता है, बस नाम जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, सत्संग कर लिया, पुस्तकें पढ़ ली, पाठ कर लिया, जप कर लिया, कर करते रहो। न करने से करना श्रेष्ठ है, इसमें हम भी सदा सहमत है। अकरणा मंद करना श्रेय, ठीक है, अच्छा, परंतु तत्काल विलक्षणता आप लाना चाहो तो ये मार्ग है। उस तत्व को समझो अथवा विश्वास करो, इसलिए सेवा मार्ग में लोगो अपने लिए न करो, नियम ही रहेगा हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, केवल संसार के लिए करेंगे, ऐसा नियम कर लो। व्रत जैसे कोई एक दाना भी अगर अन्न का चला गया तो भंग हो गई, व्रत नहीं रहा, पेट तो भरा नहीं, व्रत भंग हो गया, फायदा कुछ नहीं। इस तरह से व्रत भंग हो जाए, इस तरह का कोई करो तो देखो आप, बहुत विलक्षणता है, वो प्रत्यक्ष मालूम है, ना तो तत्परता से सेवा करते हैं, ना उस तत्व को गहरा समझते हैं, ना विश्वास करते हैं, और कहते कठिन है, बहुत कठिन है, जल्दी नहीं होगा, देरी लगेगी, अटकल लगाते हैं, ना तो स्वयं विचार करते हैं, ना किसी कहीं भी मानते हैं, और उसका क्या करें। स्वयं विचार करो आप, पीछे पड़ जाओ उसकी तो जरूर मिलेगी। इसमें एक और बात बताऊं, मनुष्य शरीर मिला है वो अंतिम शरीर है, और भगवान ने कृपा कर दिया है तो इस शरीर में उस तत्व के प्राप्त करने का अधिकार है, योग्यता है, आप में सामर्थ्य है। जब भगवान अधिकार दे कृपा करे तो वो अधूरा अधूरा अधूरी कृपा करेंगे,
सामग्री अधूरी देंगे, योग्यता अधूरी देंगे। भगवान की कृपा में भी कमी रहती है क्या? तो आप में योग्यता है, आप अधिकारी हैं, आप में सामर्थ्य है, आपके पास सामग्री है पूरी पूरी। तो इस वास्ते कहता हूं कि आपकी बहम है, इसलिए पूरी नहीं है। इतनी सामग्री है, इतना सामर्थ्य है, इतना समय है, ऐसी है कि एक जन्म में कई बार उस तत्व की प्राप्ति कर ले जितना है। मतलब एक बार प्राप्ति के बाद दो बार जरूरत नहीं रहती, परंतु सामर्थ्य भगवान ने कम नहीं दी, थोड़े समय में बड़ा श्रेष्ठ पुरुष बन सकता है। श्री गोविंदिका जी ने जब कानपुर कोठी में वहां रहते थे, ये कुछ नहीं बना था, जंगल था यहाँ, उस समय बाड़ू में बैठे थे, मेरे को याद है, कहा था अपने जितने बैठे हैं, हम आप जितने के बैठे हैं, उनमें से बिल्कुल मूर्ख हो, पढ़ा लिखा न हो और महान पापी हो, और थोड़ा सा समय रहा है, अंतकाल आ रहा है, तीन बार की थोड़े से तो थोड़ा समय है, और पापी से पापी है, और लंच मूर्ख से मूर्ख है, वो तुम हम सबसे अधिक हो सकता है उतने में। गलती बात, आप हम जितने बैठे हैं सबसे अधिक हो सकता है थोड़े समय, मूर्ख से मूर्ख पापी से पापी। कहते हम तो पाप है, हमारे दोष है, तो कैसे होगा कैसे होगा? अरे क्या दोष है, हम तो बेसमझ है, हम पढ़े लिखे नहीं है, समझदारी नहीं है, हम योग्य नहीं है। इसमें योग्यता नहीं चलती है, योग्यता है, पढ़ाई है, सामर्थ्य है, ये चलती है संसार में। संसार में जितनी अधिक होगी उतना संसार में आदर होगा, वहां पद मिलेगा। परमात्मा तत्व तो मुफ्त में मिलता है, उसमें केवल चाहना चाहिए, भीतर नहीं चाहना, उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ बस। अब इस मेरी बात को नहीं मानेगा, पढ़े लिखे नहीं मानते, अरे गाड़ी नहीं मानता, और बड़े दुख की बात है कि नहीं माने तो न मानो, पर कम से कम मेरी परीक्षा ही करे, किसके पीछे वो क्या कहता है, ये पागल है क्या है। ऐसे पीछे पड़े हो क्या, बता लगे आप कहानी क्या हो? ये तो कहते हैं नहीं, मेरे को कुछ दे दो, आप मेरे को ऐसा कर दो, ठगैया भी क्या होगी, किस तरह से है ये, क्या बात है। पर वही नहीं, एक संतों की साखी याद आई, भाई बुरा मत मांगना, सबसे क्षमा मांगता हूँ हाथ जोड़ करके। संत दास संसार में के गुघू के दौड़, डूबण रो सांसो नहीं, नहीं किरण रो खोद। हमारी कही हुई नहीं है, संतों कही हुई बात। संत दास महाराज बड़े संत हुए, 200-250 वर्ष जिए थे, कहते हैं बहुत बड़ी उम्र वाले थे संत दास, उन्हीं कही हुई, बिल्कुल मारवाड़ी भाषा शब्द है, ग्रामीण शब्द। संत दास संसार में के गुघू के दौड़, गुघू उल्लू होता है ना, रात में बोलता है, जो रात में देखता है, और डोड़ के काग होते हैं, काग मोरा बड़ा काग होता है, कौआ डोड़ काग, के गुघू के दौड़, डोड़ काग तो रात में नहीं देखता, उल्लू को दिन में नहीं देखता, तो के गुघू के दौड़ है ना, रात में देखता है ना दिन में देखता है, ऐसे है आदमी प्राय डूबन लोग सासो नहीं, हम डूब जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा, हमारी क्या दशा होगी, इसकी तो चिंता नहीं, इतने रोग को हमारा उद्धार हो जाए, ऐसे उपचार नहीं, डूबन लोग सासो नहीं, इतने रोग को। मैं फिर आप माफ मांग रहा, मैं आपको नहीं कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, आपको मैं अधिकारी मानता हूँ, आपको योग्य मानता हूँ, आपको मैं पात्र मानता हूँ,
आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, समझता हूँ। केवल आप इस तरफ विचार नहीं करते, किसी की जिज्ञासा नहीं, इसको प्राप्त करना चाहते नहीं। अब इसमें आपको चाहते नहीं, हम क्यों आते हैं जल्दी, क्योंकि हमारे माथे पर पग देते हैं आप, बड़ी कृपा करते हैं, बिल्कुल लाभ देते हैं, और हमारे फायदे के लिए है आप फायदा मेरे लिए न सोचे तो मेरे फायदा, इसमें मेरे संदेह नहीं, मेरे पर कृपा कर आप चाहे अपने लाभ के लिए आओ, परंतु हमें लाभ होता है और आपको भी लाभ होगा, आप लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। आते हैं तो यहाँ आना और सोना निरर्थक नहीं जाएगा, अगर चेत करें तो बहुत जल्दी बहुत विशेष लाभ ले लें, नहीं तो लाभ तो होगा। लाभ में तो मेरे धारणा है कि आप एकांत बैठ करके अभ्यास करोगे उसकी अपेक्षा ज्यादा होगा, परंतु होगा जितना चेत करोगे उतना। अरे कथा का कहानी सुने, कथा जो सुन लोगे वो ठीक, वो भी ठीक, संस्कार पड़ेगा उसको। परंतु बहुत लाभ की बात, और वो जो जागृति है कि हमारा उद्धार हो जाए, ऐसी जागृति वो सत्संग से होती है। वो पात्रता आप में सब में है। एक बात कहता हूं, आप विशेष ध्यान दें मेरी बात की तरफ, आप सब अधिकारी कैसे, फिर कहता हूं ध्यान दें, आप इस बात को ख्याल करें, जो आपके किसी के भी जीवन में अपनी स्थिति से संतोष है क्या? भाई हम जितना जान गए हैं, प्राप्त करना प्राप्त कर लिया है, करना जितना हमने काम कर लिया है, पूर्णता हो गई है क्या? अपूर्णता का अनुभव है ना? अपूर्णता का अनुभव है वो अधिकारी है। अब कौन अधिकारी नहीं, बताओ आप में कोई ऐसा हो कि ना हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ करना भी नहीं है, कुछ जानना भी नहीं है, हमारे कोई कमी भी नहीं है, हम दूसरा पूरे हैं, पूर्ण है, ऐसा है क्या? अनुभव है तो कह दो भाई, कोई है तो एक खड़ा हो जाओ। ये जो कमी का अनुभव होता है, ये कमी का अनुभव कमी के लिए नहीं है, पूर्ति के लिए है। कमी अनुभव करके बैठ जाए, कुछ जाए, इसके लिए कमी नहीं है। जैसे पशु पक्षी यानी क्या कमी है, इनको खाना मिल जाए बस खा ले, बैठ जाए। सिंह जैसा बलवान पशु भी बस जो भोजन मिले खा ले, अभी पड़ा है खा ले। ऐसा मनुष्य नहीं, मनुष्य में कमी का अनुभव होता है। जैसे भगवान ने इसको विवेक दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे कृपा कर ये चीज भी दी है कि ऐसे कमी का अनुभव होता है। और कमी का अनुभव होता है वो कमी पूर्ण होने वाली है, वो अधूरी रहने वाली नहीं है। कैसे कि जैसे प्यास लगती है तो पीने का जल है, चाहे हमारे को मिला चाहे न मिला, कहीं ना कहीं जल जरूर है। अगर जल नहीं होता तो प्यास नहीं लगती। ऐसे भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ जरूर है, हमारे को मिला हो चाहे न मिला हो, तो खाद्य अगर वस्तु ही ना हो भूख नहीं लगेगी। अगर पेट जल नहीं होगा तो प्यास नहीं लगेगी। ऐसे आपका अधूरापन है वो पूर्ण नहीं होता, तो आपके अधूरापन का अनुभव नहीं होता। अधूरापन का अनुभव होता है तो पूर्ण वस्तु है, अपने ऊंचाई नहीं मिली है। पर संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, अच्छे अच्छे पुरुष कहते हैं कैसा तत्व है, और वो मिलने पर पूर्णता होती है, ऐसे संतों ने कहा है। शरण आए बहुत सुख आया, गीता कहती कृत कृत्यस्त भारत ज्ञातव्यम नावशिष्यते, ज्ञातव्य प्राप्तव्य और करना तीन शक्तियां, तीन शक्ति है, जानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक पाने के लिए विश्वास।
विश्वास शक्ति भी है, मानने की शक्ति भी है, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति, तीन है। तीनों शक्तियों से जो जानने की शक्ति है तो जानना बाकी न रहे ये पूर्ण हो जाएगी। अब जानना बाकी नहीं रहता, अब कुछ जानना बाकी नहीं। ज्ञातवा नहीं है भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते, गीता ने कहा जिसके जानने के बाद ज्ञातव्य अवशेष नहीं रहता, जानना फिर बाकी नहीं रहता, तो जानने की शक्ति पूरी होने वाली। ऐसे करने की शक्ति के लिए कृत कृत्य भारत है, कृत कृत्य हो जाता है, कृतम कृत्यम ये जिसने सब कर लिया, करना पूरा हो जाता, करना फिर बाकी नहीं रहता, अब करना कुछ बाकी नहीं। ऐसे है नाम लाभ तो अवाप्तव्य, प्राप्तव्य वस्तु न प्राप्त हो ऐसी वस्तु नहीं, जो मिलना चाहिए अब मिलना बाकी नहीं। हम लोग चाह परम लाभ मन लेते ना देखने का, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद और कुछ मिलना चाहिए ऐसा नहीं रहता। और यशमी स्थित होने दुखे ने गुरु ना भेजा, जिसमें स्थित होने पर गुरु ना भी दुखे, बड़े भारी दुख से भी वो वितरित नहीं किया जा सकता, वह है जो का चल रहे। ये गीता कहती है तीनों बातों अपूर्णता नहीं रहेगी, ना करने की अपूर्णता रहेगी, ना जानने की अपूर्णता रहेगी, ना मिलने की अपूर्णता रहेगी, तीनों पूर्णता हो जाएगी। तो करना बाकी है, जानना बाकी है, पाना बाकी है, तो अपना है, और ये बाकी नहीं रहता ऐसा अन्न जल की तरह है, तो प्राप्तव्य ज्ञातव्य और कर्तव्य वो है। गीता कहती ऐसा है, जैसे भूख हो तो अन्न है भाई, कोई कह दे कि अन्न खाद्य पदार्थ है, फिर भूख जो मरे कैसे मर रहे हैं, जल है पीने लायक जल है। वास्तव में तो हमारे भूख है इससे सिद्ध होता है अन्न है, प्यास लगती है सिद्ध होता है कि जल है, ऐसे हमारे अधूरे पूर्ण है तो इससे सिद्ध होता है, ईश्वर की सिद्धि होती है इस बात से कोई पूर्णता है, ये उससे सिद्धि होती है। और जिसको पूर्णता हुई है वो कहते हैं, पर गीता कहती है ना प्राप्त भी बाकी रहेगा, ना कर्तव्य बाकी रहेगा, ना ज्ञात भी बाकी रहेगा। और उपाय बताए गीता, गीता ने उपाय बताए। अब बताओ कितने विलक्षण बात है, अब कोई अपने अयोग्य कैसे मान सकता है कि मैं अनधिकारी हूं, मैं अपात्र हूं, मैं अयोग्य हूं। मुफ्त में आप कहते हैं क्या करें, समय ऐसे ही खराब आ गया, हमारे भाग्य ऐसे ही है, क्या करें, गुरु नहीं मिलते हैं, महात्मा नहीं मिलते हैं, भगवान कृपा नहीं करते हैं, हमारा सही ठीक नहीं है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है, अब ये नहीं करो तो आपकी मर्जी है, ये सब मन घरंत बातें हैं, फालतू बातें, अपना पतन करने की बातें हैं। मौके पर आए हुए यहाँ आकर के पतन की तरफ जाने की बात बहाना बाजी, ये बात अब इसमें शंका होती है, प्रेरित कैसे करोगे आप अपने स्वार्थ की बात सर्वथा छोड़ दो, अपना जो स्वार्थ है, आराम है, सुख है, मान है, बड़ाई अपने को मिले ये छोड़ दो, ये करो, और का हित हो, और को मान मिले, और को बड़ाई मिले, और को आराम मिले, और का सुख मिले, उसमें शक्ति कितनी आप में जितनी चाहिए उतनी जरूरत नहीं ज्यादा, पैसा हो पैसे से करो, समय है तो समय से करो, शक्ति है सही की शक्ति से करो, जितना आपको है उतना ही करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये जो मन में आती है ज्यादा धन होता हूँ उपकार बहुत ज्यादा करें, बिल्कुल फालतू बात है, आप जितना कर सकते हो उतना ही करना है, ज्यादा करना है ही नहीं, ज्यादा जिम्मेवारी है ही नहीं, ज्यादा कोई आशा रखता ही नहीं, रखता है तो वो बेसमझ है, आप नहीं कर सकते आशा ही आपको सही, अरे भगवान आशा रखेंगे कुछ नहीं कर सकते, ये करने की बात, बात बढ़िया नहीं पूछ रही, दो बात मिला पूछ,
नित्य प्राप्त है तो वो प्राप्त कैसे हो, ये प्रश्न आता है। हम करते भी कैसे करें, करना हमारे बाकी नहीं रहे तो करना कर्म बाकी नहीं रहेगा कि जब अपने लिए नहीं करोगे तो करना बाकी नहीं रहेगा, प्रश्न ये पूछना चाहिए। अथवा नित्य प्राप्त है तो नित्य प्राप्त तुम बता दो, दो बात में तो कोई बात नहीं। आप किस प्रश्न की समझ रहे हैं, मेरे कोई बाधा नहीं, बातें टिकती नहीं है तो ये बातों का दोष नहीं है, आप अंदाता टिकना चाहते नहीं। बातें टिकती नहीं, क्या किया आप बिल्कुल निर्दोष होना चाहते, दूध का धोया रहना चाहते हैं कि बातें नहीं टिकती, बातों का दोष है, हम क्या करें, हम तो बड़े भले आदमी हैं, अब बात ऐसी खराब जो टिकती नहीं, हम क्या करें, ऐसे निर्दोष नहीं होंगे। अब करने से नहीं होगा, ये रोने से होगा, उसके बिना व्याकुल होने से टिकेगी। आप टिकना चाहते हैं नहीं टिकते तो आपका बल नहीं चलता, मन तो रोना भी नहीं आता क्या आपको, छोटा बच्चा है उसके मन की बात नहीं होती, रोने लग जाता। आपकी गर्ज हो टिकाने की तो न टिकने से रोना बंद नहीं हो सकता, इसमें शंका हो तो बोलो, रोना नहीं आता है तो टिकड़ चाहते कहां है। बोलो, और इस पर आप विचार कर लो ना, और फिर आप सत्संग में पूछ लो, कोई ना कोई बात चलेगी, हमारा लाभ होगा। जो कोई सामने हो, सदा सामने हो, उसके सामने हो, सदा सामने, एकांत में जाओ, कहीं जाओ, जो सदा सुनता है उसे समझो, सदा सुनता है, सदा सामने है, सदा अपना है, खास परमात्मा है, ऐसा सदा साथ में कोई गुरु है न महात्मा है, संत है कोई, सदा साथ में सबका है, अपना है, अपने सामने है, उसे समझो, रोना सिद्ध हो जाए, रोने के बाद स्वामी के रोने से क्या होगा, क्या वो भरा देगा उसके पास भी बता देगा, राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी रविवार दिनांक 12 मई 1985 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री गीता भवन नंबर 3 की छत पर दिया गया। राम राम राम।